मुस्कान स्टेडियम धंतोली में बुंदेलखंड स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर फाइनल मैच में हरदोई राजा टीम ने सजेरा टीम को पिछाड़ कर विजेता बनी। विजेता टीम को 30,000 रुपए नगद राशि व शील्ड देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं उपविजेता टीम को 15,000 रुपए तथा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रधान प्रतिनिधि मुकेश कुशवाहा ने सभी विजेता और उपविजेता टीम को शील्ड देकर सम्मानित किया। मुस्कान स्टेडियम धंतोली में 25 दिन से चल रही क्रिकेट मैच में 3 दर्जन टीमों ने भाग लिया, जिसमें रविवार को फाइनल मुकाबला न्यू इंग्लैंड क्रिकेट क्लब हरदोई राजा व बुंदेलखंड एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब सजेरा के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें सजेरा टीम के कप्तान प्रदीप शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया तथा 114 रन पर ही सिमट गई। इसके बाद न्यू इंग्लैंड क्रिकेट क्लब हरदोई राजा ने बल्लेबाजी की, जिसमें ओपन बैट्समैन तागा ने बड़ी ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर अपनी टीम को विजय दिलाई। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुकेश कुशवाहा ने विजेता टीम हरदोई राजा कप्तान राम सिंह तथा सजेरा टीम के कप्तान प्रदीप शर्मा सहित सभी खिलाड़ियों को शील्ड तथा घोषित इनाम देकर सम्मानित किया। इस मौके सुरेश चंद्र कुशवाहा, कमेटी के प्रबंधन कृष्णानंद निरंजन, अध्यक्ष निर्णय राजा गुर्जर, महेश उदयनिया धनौरा, नरोत्तम तिवारी, सुरेश चंद्र निरंजन, राम प्रकाश पालीवाल, राम मोहन निरंजन। ग्राउंड बहुत लंबा है, दीपक तागा पलटन को काफी अच्छे शोरों पर फिंगर मौजूद है, बाकी एक रन पूरा किया, इसी एक रन की मदद से पलटा हुआ 167 रन 10 ओवर प्रगति पर है। माते 115 रन बनाने हैं, 20-20 महामुकाबला मुस्कान स्टेडियम पर। मनोज दीक्षित सामना करेंगे बिहू, जो कि पिछले ओवर में काफी अच्छा 100 और 100 लगाया उन्होंने। मनोज दीक्षित का सामना करेंगे बिहू, हल्के हाथों से खेला, बाप का एक रन पूरा किया, इसी एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जनपद जालौन की लोकल खबरें देखने के लिए जालौन लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।